This is Mukesh Kumar, a health counselor, a diet and nutrition educator, a diabetes educator, and my expertise in food as medicine. This is fifth video of Healthy Habits. जो एक सीरीज चल रही है 8 Healthy Habits की, उसकी ये फिफ्थ वीडियो है। अगर आपने पहले की 4 वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोस देखें, तभी आपको ये फिफ्थ वीडियो का मतलब समझ में आएगा। सो फिफ्थ हैबिट में आपको करना क्या है, ये आपको नाइट रूटीन अपना सेट करना होगा। नाइट रूटीन को सेट करने के लिए सबसे पहले आपको डिनर सेट करना होगा, और डिनर के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट थोड़ा फोकस करना होगा। तो आपको करना क्या है, सपोज दैट आप अपना डिनर अगर 8 और 10 o'clock के बीच में खा लेते हैं, रात में खा लेते हैं, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुछ भी अगर खाते हैं तो वो मॉर्निंग 8 और 10 o'clock के बीच में ही होना चाहिए। इन शॉर्ट आपको 12 hours की फास्टिंग मेंटेन करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको 12 hours की फास्टिंग मैनेज करनी है। जब आप 12 hours की फास्टिंग मैनेज करेंगे तो आपकी बॉडी का जो रेस्पॉन्स होगा वो अच्छा होगा, पेनक्रियास का रेस्पॉन्स अच्छा होगा, इंटेस्टाइन्स को थोड़ा सा रेस्ट करने का मौका मिलेगा, डाइजेशन को रेस्ट करने का मौका मिलेगा, बॉडी को अपने आप को अच्छे से मेटाबोलाइज करने का मौका मिलेगा, जो मेटाबॉलिज्म है वो स्पीड अप होगी। सो ओवरऑल आपके बेनिफिट ही होंगे हेल्थ में। तो आपको 12 hour फास्टिंग नाइट में मैनेज करनी ही करनी है। आप चाहे अर्ली डिनर करें, लेट डिनर करें, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको 12 घंटे अपने पेट को खाली रखना है नाइट में। साथ में ये जरूर करना है कि जब भी आप अपना डिनर फिनिश करते हो तो डिनर फिनिश करने के 2 घंटे तक आपको सोना नहीं है। ये रूटीन आप सेट करें कि डिनर करने के 2 घंटे तक आपको सोना मतलब लेटना नहीं है। आप बैठे रहें, कुछ भी काम करें, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, लेकिन डिनर करने के 2 घंटे बाद तक आपको लेटना नहीं है। अगर डिनर करने के 2 घंटे बाद तक आप लेटते नहीं हो तो भी आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आता है, तब तक आपका जो डाइजेशन है वो काफ़ी हद तक हो चुका होता है, उसके बाद अपना आप सो सकते हो। सो ये आपको फोकस करना है नाइट रूटीन में कि डिनर इस तरीके से मैनेज करें कि नेक्स्ट डे जब आप ब्रेकफास्ट करें तो 12 घंटे की फास्टिंग हो जाए। दूसरा, डिनर करने के 2 घंटे तक आपको लेटना नहीं है। ये हैबिट पे आप फोकस करें, ये फिफ्थ हैबिट है, और आई होप आप पूरी हैबिट्स फॉलो कर रहे हो, तभी आपकी हेल्थ में कुछ चेंजेस आएंगे, तभी आपकी हेल्थ में आपको थोड़ा पॉजिटिविटी दिखेगी और शुगर लेवल बेहतर होंगे, स्टैमिना बेटर होगा, एनर्जी लेवल बेटर होगा। तो इस हैबिट को फॉलो करें। जो नेक्स्ट हैबिट है 6th हैबिट, वो आपको नेक्स्ट वीक मिलेगी। थैंक यू।